आज के युग में बहुत से लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं और कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जटिल और असाध्य रोगों पर काम करने वाली सेवाभावी संस्था खुश एनजीओ द्वारा 3 फरवरी 2024 को जेनेटिक हेल्थ इंडिया 2024 सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में डॉक्टर रवि वैराकड़े इनके द्वारा दी गई है। भारत और दुनिया भर में जेनेटिक और एपिजेनेटिक उपचारों के माध्यम से बीमारी को रिवर्स करने का काम डॉक्टर रवि वैराकड़े और उनकी एडवांस हेल्थ के माध्यम से हो रहा है। इसी के साथ कैंसर, डायबिटीज, किडनी और लिवर फेल जैसे जटिल और असाध्य रोगों पर काम करने वाली सेवाभावी संस्था खुश एनजीओ द्वारा 3 फरवरी 2024 को जेनेटिक हेल्थ इंडिया 2024 सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मरीजों को नई जिंदगी और जीने का दृढ़ संकल्प देना है। इलाज नहीं है और इसके लिए गोलियां खानी पड़ेगी आपको जीवन भर, तो वहां पर वो व्यक्ति हताश हो जाता है। हम सोचते हैं कि हताशा से लोगों को एक उम्मीद की ओर कैसे लेकर आए, तो हमने इसका कंसेप्ट डेवलप किया। इसका पूरा 28 सालों का रिसर्च किया और हमने बहुत सारे फ्री सेमिनार्स किए, 4.5 लाख से ज्यादा पेशेंट देख चुका हूँ। एक और चीज बताऊँ आपको, यहाँ पे एक मेरी किताब का उद्घाटन होने वाला है, वहाँ पर अनावरण होने वाला है। वो किताब भी एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग है, इतने नए तरह का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि ये सेमिनार की क्या सही में जरूरत है, जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो पूरी दुनिया में क्रॉनिक डिजीज का कोई उपचार नहीं मिल रहा है, दूसरा कोविड जैसा कोई पेंडेमिक अगर आ गया तो लोगों की इम्यूनिटी कम होने के कारण और ज्यादा तबाही मच जाती है। तो ये प्रोजेक्ट इसलिए लिया गया है कि लोगों को समझ में आए कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को ये समझना चाहिए कि बीमारी से कैसे लड़ा जाए, और ये भी समझना चाहिए कि हताश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा, एक उम्मीद की किरण बाकी है और वो तब है जब आप जिम्मेदारी लेंगे। तो हम लोगों को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, लोगों के हाथ में ताकत देना चाहते हैं, और लोगों को ये ताकत देने के लिए एक बड़े मास लेवल पर लोगों को जागरूक करने के लिए जेनेटिक आरोग्य इंडिया 2024 का ये संकल्पना की गई है। ये इवेंट 3 फरवरी को होने वाला है सुरेश भट्ट सभागृह में, जो नागपुर रेशिम बाग में है, और यहाँ पूरे भारत से 2000 से ज्यादा पेशेंट्स यहाँ आने की संभावना है, रजिस्ट्रेशन उतने आ चुके होंगे। उद्घाटन किसके हस्ते और कितने सेशन होंगे? इसमें बेसिकली इनको 3 सेशन में डिवाइड किया गया है। एक सेशन रहेगा ब्रेकफास्ट टू लंच, दूसरा लंच टू हाई टी, और उसका हाई टी के बाद एक इवनिंग सेशन। उद्घाटन होने वाला है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस के हाथों। इस सेमिनार में पूरे भारत से 2000 लोगों की अपेक्षित उपस्थिति के लिए अग्रिम स्वास्थ्य टीम की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।